और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी 5 एजेंसियां हैं जो इस रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई हैं। दिन गुजर रहे हैं लेकिन उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों की वापसी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। दिवाली की सुबह से उत्तरकाशी के इस टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, कोई पता नहीं। अधिकारी कह रहे हैं अंदर बिजली सप्लाई है, टनल का एक लंबा एरिया है जहां तक वे आ जा सकते हैं, लेकिन एक जगह पर बंद कोई इंसान ताजा हवा रोशनी के बिना कब तक रह सकता है। सुरंग की पाइपलाइन के जरिए खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं, जरूरत की दवाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंद सुरंग में मजदूरों की हिम्मत कैसे टूट रही होगी और बाहर निकलने की छटपटाहट कैसी बढ़ रही होगी। 5-5 बड़ी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नॉल्ड डिक्स खुद सिलक्यारा में मोर्चे पर बने हैं, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं कि मजदूर कब बाहर निकलेंगे। Time will take to rescue the laborers from there. I don't know. 4 to 5 days? I don't know. We're having discussions. This is not something to rush. The men are safe. And if we rush, there could be bad things. Arnold Dix वक्त मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि कब तक ये मिशन पूरा होगा, कुछ नहीं बताया जा सकता। बहुत टफ टास्क है। It's a very tough task. Very tough task. It's the toughest task on the planet at the moment. रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे, अंदर फंसे मजदूरों के परिवार वालों से मिले, 2 से 2.5 दिन में बाहर निकाल लेने का ढांढस भी बंधाया, लेकिन दूसरा दिन खत्म होने वाला है, लेकिन उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आ रही। अगर निकालना चाहे सरकार तो कैसे भी निकाल सकती है उसको, ये 10 दिन का टाइम नहीं लगता। अभी भी घर वाले का रो रो करके बुरा हाल है और यहाँ पर दिलासा दिलाया जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बस इसे करके 10 दिन निकल गया। बिहार के बांका से आए देवेंद्र किस्कू के भाई वीरेंद्र किस्कू 41 मजदूरों में से एक है। देवेंद्र कहते हैं अंदर क्या चल रहा है अधिकारी कुछ बता नहीं रहे, पूछो तो बोलते हैं जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सुनीता देवी के देवर रोहित भी टनल के अंदर फंसे हैं। सुनीता का कहना है कि टनल के बाहर ही इंतजार करते करते दिन बीत जाता है, अधिकारी ना तो बात करते हैं ना ही उन लोगों के बारे में कुछ बताते हैं। ना बात हुआ, ना हम लोग को बात करने दिया और ना हमको विश्वास भी नहीं है। वो लोग बोल रहा है कि सो रहा है, हम कैसे मानूंगी कि वो लोग सो रहा है। दिन भर अंदर में वो लोग का क्या काम है जो अभी भी सो रहा है। वो लोग प्रशासन का कहना है रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और टनल में फंसे मजदूरों का हौसला बनाए रखने की भी कोशिश जारी है, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए पॉजिटिव बातें कही जा रही है, लेकिन उम्मीद की डेडलाइन हर घंटे बीतने के साथ और बढ़ती जा रही है।